मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, हम आप लोगों का स्वागत करते हैं। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को क्यों नहीं सुनता। हम प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन प्रभु के पास हमारी प्रार्थना क्यों नहीं पहुंचता। तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आज के इस वीडियो में हम इन्हीं के ऊपर बात करेंगे और हम किस तरीके से प्रार्थना करें जो कि प्रभु के पास पहुँच सकता है। तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, अगर हम वचनों के द्वारा, प्रभु के वचनों के द्वारा प्रार्थना करेंगे तो प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को जल्दी सुनेगा और उनका उत्तर भी देगा। तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, सबसे पहले हम एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं कि यदि आपके कमरे में कोई आपका फेवरेट चीज़ रखा हो और उस कमरे का ताला लगा के आपका कोई फैमिली के लोग चले जाते हैं, कहीं चले जाते हैं, तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, लोग आप उस चीज़ को कैसे ले सकते हैं? जब तक आप चाबी नहीं लाएंगे, जब तक आप उस ताले को नहीं खोलेंगे, तब तक आप उस चीज़ को हासिल नहीं कर सकते। ठीक उसी प्रकार जब भी हम प्रार्थना करते हैं तो हमारी प्रार्थनाओं को शैतान रोक के रखता है। यदि हम प्रभु के वचनों के द्वारा हम प्रार्थना करेंगे तो प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनता है, क्योंकि वही वचन एक चाबी की तरह काम करता है। वो शैतान को हटा देता है, मतलब शैतान को रास्ते से निकाल देता है। अगर हम उस वचन के द्वारा प्रार्थना करेंगे तो हमारी प्रार्थना प्रभु सुन लेंगे। तो इसी तरह दोस्तों, अगर हम वचनों के द्वारा प्रार्थना करना सीख जाएं तो हम जो भी प्रार्थना करेंगे, जो भी हम प्रभु से कुछ भी मांगेंगे, प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा और वो चीज़ देगा। क्योंकि प्रभु ने अपने नामों से ज़्यादा अपने वचनों को महत्व दिया है। प्रभु ने क्या कहा? आकाश और पृथ्वी भले ही टल जाए, लेकिन मेरा वचन अटल है। अगर हम प्रभु के वचनों के द्वारा प्रार्थना करेंगे तो हमको कभी निराश नहीं होना पड़ेगा, हमको कभी हताश नहीं होना पड़ेगा। कोई भी समस्या हमारे जीवन में क्यों ना आ जाए, हम उन समस्याओं को खत्म कर देंगे, क्योंकि हम वचन के द्वारा प्रार्थना करेंगे। तो अगर हम प्रभु के सामने वचन से प्रार्थना करेंगे तो वो प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनेंगे और उसका उत्तर देंगे। तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हमें किस तरीके से वचनों के द्वारा प्रार्थना करना चाहिए। तो आइए, हम चार वचन लेकर आए हैं और उसके द्वारा हम प्रार्थना करते हैं और आप लोगों को बताते हैं, और आप लोग सीखिए कि किस तरीके से हर एक वचन के द्वारा आप प्रार्थना कर सकते हैं। ऐसे जीवन में कोई भी समस्याएं नहीं जिनके लिए वचन नहीं बना है। हमारे जीवन में जितनी भी समस्याएं आती है, जितनी भी प्रॉब्लम्स आते हैं, चाहे जो कुछ भी हो हमारे जीवन में, कोई भी घटी कमी क्यों ना हो, उन सारी चीज़ों के लिए बाइबल में वचन है। तो आप लोगों को केवल बाइबल में वचन खोजना है और उन वचनों के द्वारा प्रार्थना करना है। तो आइए देखते हैं किस तरीके से हम प्रार्थना कर सकते हैं। पहला वचन है संत योहन अध्याय 14 पद संख्या 13, तुम मेरा नाम लेकर जो कुछ भी मांगोगे मैं तुम्हें वही प्रदान करूंगा, जिससे पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। तो मेरे दोस्तों, आप लोग इस वचन से इस तरीके से प्रार्थना कर सकते हैं। हे प्रभु यीशु, मुझे अपना अनुग्रह प्रदान कर, मुझ पर दया कर, ताकि प्रभु जी हम आपके वचनों पर, आपके मार्गों पर चल सके, हमें शैतान बहका न पाए जिससे कि हम पाप में गिर जाए। हे प्रभु यीशु जी, हमें अपना अनुग्रह प्रदान कर, हम पर दया कर, हमें आशीष दे, ताकि प्रभु जी सच्चाई से और दृढ़ होकर आपके रास्तों पर, आपके वचनों को मानते हुए आगे बढ़ते जाए और आप में विश्वास करते जाए, आपके प्रति विश्वासी बन जाए। हे प्रभु जी, हम पर दया कीजिए। आप लोग इस तरीके से प्रार्थना करिए, प्रभु आप पर अनुग्रह करेगा और आपका धीरे धीरे सारा पाप करना बंद हो जाएगा। आप पर प्रभु का अनुग्रह सदा रहेगा और आप जो कुछ भी प्रभु से मांगेंगे, प्रभु आपकी सारी चीज़ें पूरी करेंगे। तो आप लोग इस तरीके से प्रार्थना कर सकते हैं। दूसरा वचन है भजन संहिता अध्याय 50 पद संख्या 15, संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। प्रभु यीशु का वचन क्या कहता है कि तू मुझे संकट के समय पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा। तो आप जब भी आपके ऊपर कोई भी संकट, कोई भी मुसीबत आए, तो आप प्रभु को पुकारिए, प्रभु को बोलिए कि प्रभु आपके वचनों में लिखा है कि संकट के समय मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा। हे प्रभु, हम आपको पुकारते हैं, प्रभु यीशु मुझे इन मुसीबतों से छुड़ा, ताकि हम आपकी महिमा करने पाए। तो प्रभु आपको उन मुसीबतों से, उन समस्याओं से, उन संकटों से निकालेंगे। तो आप लोग इस वचनों से इस तरीके से प्रार्थना कर सकते हैं। तीसरा वचन है भजन संहिता अध्याय 91 पद संख्या 10, तुम्हारा कोई अनिष्ट नहीं होगा, महामारी तुम्हारे घर के निकट नहीं आएगी। तो आप लोग इन वचनों से इस तरीके से प्रार्थना कर सकते हैं कि हे प्रभु, हमारे ऊपर जो भी दुख तकलीफ आए हैं वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, और प्रभु जी हमारे घरों के ऊपर से आने वाली हर एक मुसीबतों को तो दूर कर। प्रभु यीशु, हम आपके नाम से मांगते हैं। तो आप लोग इन वचनों से अगर ऐसे प्रार्थना करेंगे तो आपके जीवन में कोई भी दुख समस्या, कोई भी बीमारी आएगी तो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। अगर आपके घरों के ऊपर कोई भी मुसीबत आएगा या आने वाला रहेगा
या है तो उसको भी प्रभु दूर कर देगा। तो आप लोग इस वचन से प्रार्थना कर सकते हैं। चौथा वचन है भजन संहिता अध्याय 23 पद संख्या 1, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी कमी ना होगी। आप लोग इन वचनों से इस तरीके से प्रार्थना कर सकते हैं, प्रभु आप ही हमारे चरवाहा हैं, आप ही हमारे हर एक घटी कमियों को पूरा करते हैं, हमारी हर एक जरूरतों को पूरा करते हैं। हे प्रभु जी, हमारे जीवन में ये घटी कमियां हैं, अगर आपके जीवन में कोई भी घटी कमी हो तो उन घटियों को नाम लेकर, आपके जीवन में अगर पैसों की घटी है तो प्रभु को बोल सकते हैं, हे प्रभु जी हमारे इन पैसों की घटी कमियों को, हमारे जीवन में अगर कोई भी घटी कमी क्यों ना आपके जीवन में, आप लोग उन घटी कमियों का नाम लेकर प्रभु को बोले, क्योंकि प्रभु ही हमारी सारी जरूरतों को पूरी करने वाला है, वही हमारा चरवाहा है, वही हमारे ध्यान रखता है, हमारे हर एक चीज़ों को पूरा करता है, तो आपके वो भी सारी चीज़ों को पूरा करेगा। तो आप लोग इस वचन से इस तरीके से प्रार्थना कर सकते हैं और प्रभु यीशु के नाम से मांग सकते हैं। तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को शेयर करिए और लाइक करिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम प्रभु के वचनों को लेकर आते रहते हैं। सबको जय मसीह।